इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर, इतनी जहालत थी कि बाप के मरने के बाद मैंने देखा कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, मेरा बाप मर गया है, अब मेरी माँ के साथ कोई दूसरा शादी ना कर ले तो क्यों ना मैं ही अपनी माँ को अपनी बीवी बना लूं। वो लड़का अपनी माँ को बाहर निकालता, अपने घर से एक चादर उठाता और ऐलान करके अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहता, लोगों ये मेरी माँ थी, लेकिन अब मैंने अपनी चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी, आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी हो गई है। अपनी माँ ही को वो अपनी बीवी बना लिया करता था। जहालत इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी। इत कलोगत पराए जरेशु खर घर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह जहालत पर उतर जाएगी, धर्म तराड़ाए, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैने भगवान उतरिष्यति, भगवान कल की का उतरण होगा, तब अल्लाह ताला आखिरी नबी को उस जमाने में भेजेगा। उस जमाने में आए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो चुकी थी। इससे ज्यादा जानवरियत होगी? माही को अपनी बीवी बना लो, इससे बड़ी जहालत कहां होगी। बच्चा पैदा हो रहा है तो शहद चटाने के बजाय उसके मुंह में पहले शराब के कतरे डाल दो। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं आप मेरे भाइयों, जहालत किस हद तक फैली हुई थी। तब उस जमाने में अल्लाह के नबी आए, और हम भी मानते हैं हिंदू धर्म के इस मंत्र के मुताबिक अल्लाह के रसूल उसी जमाने में आए। अश्वमाशुगम विचरन न सुना छोड़िया हई न प्रति मगुति निर्पलिंग छो दस्यूनि कोटि सोनी हनिष्यति। इसमें तो खूबसूरती बता दी, इतने खूबसूरत होंगे, विचरन न सुना छोड़िया, आखिरी नबी इतने सुंदर इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी खूबसूरती तुम्हारे दिमागों में नहीं आएगी। हकीकत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती किसी के दिमाग में नहीं आई, और किसी एक ने एक मिसाल भी नहीं दी। जैसे किसी ने चांद की तरह खूबसूरत कहा तो सब ने यही कहा कि हाँ चांद की तरह, किसी ने सूरज की तरह कहा, किसी ने चांद की तरह कहा, किसी ने कहा ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। सब ने अपनी अपनी राय, अपने अपने अलग बातें कही हैं। इसीलिए कहा विचरन ना सुना छोड़िया हई ना प्रति मगुती, इतने खूबसूरत होंगे मोहम्मद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके शरीर से अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, उनके शरीर से अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात इतने कांतिवान इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता की उनकी खूबसूरती की मिसाल नहीं दी जा सकती है। अल्लाह के रसूल इतने खूबसूरत थे, इतने। एक औरत एक सहाबिया कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अंधेरे में देखती थी, तो कभी कभी अंधेरे में अल्लाह के नबी आ जाते थे, तो नबी के आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। किसी ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चांद और सूरज से भी तशबीह दे दी। जाबिर इब्ने समूरा की रिवायत में, शमाइल तिर्मिजी में, अगरचे वो ज़ईफ़ है लेकिन यहां तक कह दिया था कि जाबिर इब्ने समूरा ने, ऐ अल्लाह के नबी आसमान पर जो चांद चमक रहा है उसको देखता हूँ और आपको देखता हूँ, फिर उसको देखता हूँ तो आपको देखता हूँ, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ इस चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है, इस चांद को भी खूबसूरती मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हजरत हसन इब्ने साबित ने नबी को देखा तो चीख उठे, वह अहसन मिन कलम तरकत्वाइनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ। आए नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आए नबी आप इतने सुंदर हैं, वह अहसन मिन कलम तरकत्वाइनी कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, वह अहसन मिन कलम तरकत्वाइनी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और आज तक दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया हजरत।